हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं आ गया आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर CACS शांतम गुप्ता, आपका अपना ऑल इंडिया रैंकर 42 CA इंटर पर आपको बनाने रैंकर। तो भैया आज का वीडियो होने वाला है बड़ा ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं September 2024 CA इंटर के लिए रैंकर प्लान। सर, रैंकर प्लान सिर्फ वही आदमी दे सकता है जो खुद रैंकर हो। मैं खुद AIR 42 हूं, इसीलिए आपको AIR बनने का प्लान एकदम परफेक्टली बता सकता हूं कि जो प्लान मैंने खुद अपने लिए यूज किया है अपने एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, सेम प्लान आपको भी बता सकता हूं। और हमारे तो CA CS दोनों साथ में चल रहे थे, तो 42 43 दोनों में लेके आए, तो उससे आपको समझ में आना चाहिए कि प्लान की परफेक्शन थी तभी आया है, ठीक है। अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो, ऑलरेडी रिजल्ट डेट आउट हो चुकी है May 24 एग्जाम्स की, कि रिजल्ट आने वाले हैं 11 जुलाई को। तो ऑब्वियसली एक पैनिक की सिचुएशन अभी पैदा हो चुकी है, बट इस पैनिक की सिचुएशन को आपको कंट्रोल करना है। अगर आपको लग रहा है कि आपका मे अटेम्प्ट आपने दोनों ग्रुप दिया है, ठीक है, और आपका क्लियर हो जाएगा, तो ये वीडियो देखने की आपकी जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है नहीं क्लियर होगा, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक दिया है, एक नहीं दिया, ठीक है, एक दिया और एक नहीं दिया, मान लीजिए मतलब आपने एक क्लास दी और एक क्लास नहीं दी, मतलब एक ग्रुप दिया एक ग्रुप नहीं दिया, तो भी ये वीडियो आपके लिए रेलेवेंट है। और अगर आपने बोथ ग्रुप दिया और आपको कोई श्योरिटी नहीं है कि आप क्लियर करने वाले हो, देन ऑल्सो दिस वीडियो इज रेलेवेंट फॉर यू। तो आइए सर चलते हैं रैंकर्स प्लान की तरफ। ज्यादा समय आपका लूंगा नहीं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, रिविजनरी सीरीज बहुत जल्द शुरू होने वाली है। अच्छा, पहले देख लेते हैं कि हमारा टैट क्या है, व्हाट इज द टाइम अवेलेबल टू अस, टेंटेटिव अवेलेबल टाइम डे, उसको बोलते हैं टैट, ऑडिट वाले समझ जाएंगे। डेज लेफ्ट, एग्जाम हमारा 12 सितंबर से, ठीक है, 5 दिन माइनस कर लो कि उस दिन तो आप एग्जाम से 5 दिन पहले तो आप अकाउंटेंसी कर रहे होगे, क्योंकि पहला पेपर अकाउंटेंसी होता है, तो 7 सितंबर इज द टेंटेटिव डेट, 7th सितंबर। आज जब आप यह वीडियो देख रहे हो तो 5 जुलाई हो चुका है, तो आपके पास रफली 62 डेज बाकी हैं प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो 62 डेज का टैट है आपका, इसके हिसाब से, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे, और चलिए फिर शुरू करते हैं, ठीक है। अब आया सर जीवन, ठीक है। अब जीवन में आपके 3 ही सब्जेक्ट होंगे, क्योंकि आप एक ही ग्रुप दे रहे हो, तो अकाउंट्स हो गया, कॉर्पोरेट लॉ हो गया, टैक्सेशन हो गया, ये 3 पेपर है। अब आप अकाउंट्स के सारे चैप्टर को बेटा 3 ग्रुप में डिवाइड कर लो, मतलब लेट्स से अगर 12 चैप्टर है, डिवाइड बाय 3, 4 ग्रुप में आ जाएंगे, 4-4 चैप्टर पर ग्रुप में। ये क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आएगा। 16 चैप्टर है, ठीक है, तो रिस्पेक्टिवली बड़ा छोटा देख के आप अपने हिसाब से ग्रुप को डिवाइड कर लो। डिवाइड करते टाइम एक चीज का ध्यान रखना कि अगर 4-4 कर रहे हो तो उसमें 2 हैवी टॉपिक, 2 लाइट टॉपिक, ठीक है, 3 कर रहे हो, 1 हैवी टॉपिक, 2 लाइट टॉपिक, ऐसे करके कॉम्बो बनाना। ऐसा नहीं कि मतलब एक ग्रुप में 3 चीजें रखी है तो तीनों मार एकदम भारी टॉपिक कर दिया कि दिमाग कंफ्यूज उड़ गया, वैसा नहीं करना। कॉर्पोरेट लॉ में आपका रिवीजन कैसे चलेगा, जो भी टाइम हम आपको देंगे उसका टाइम का एक हिस्सा होगा चैप्टर रिवीजन और एक हिस्सा होगा आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग अगर आपके पास हमारी किताब है उसमें PYQ MTP RTP सारी चीजें ऑलरेडी हैं, वहां से प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर वो नहीं कर रहा है तो स्टडी मटेरियल के पीछे जो क्वेश्चन है वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, पहले SM, फिर PYQ, फिर RTP, फिर MTP, तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है, ये आपकी प्रायोरिटी का स्केल होना चाहिए। चैप्टर रिवीजन कहां से करेंगे, आप पुष्पांजलि को रेफर कर सकते हैं, जो हमारी चार्ट बुक है, इससे आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। चार्ट बुक के अलावा किसी से भी आपका क्विक रिवीजन नहीं हो पाएगा, और वो चार्ट बुक पूरी की पूरी इंस्टीट्यूट मटेरियल के हिसाब से ही बनी हुई है, तो आपको उसको पाने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा आपको चार्ट बुक रिलेटेड या किसी भी चीज से कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, टैक्सेशन को भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, ट्रीटेड एज अ सेपरेट सब्जेक्ट लिखा, तो मतलब हमारे ग्रुप 1 में बेसिकली 4 सब्जेक्ट हैं जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे 4 घंटा से फर्स्ट वीक में, स्लोली स्लोली ग्रेजुअली उसको 6 घंटा करेंगे, एवरी डे सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट करेंगे, हाँ सिर्फ 2 सब्जेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट कम होगा, टाइम ज्यादा देंगे, क्वालिटी पढ़ाई पढ़ेंगे, क्वांटिटी नहीं। अब देखो क्यों मैंने ग्रुप में डिवाइड करने बोला, मंडे को आप अकाउंटेंसी करोगे जीवन, साथ में लॉ करोगे। अब लॉ में जब आप 2 घंटा बैठ रहे हो तो आप 1.5 घंटा रिवीजन करोगे चार्ट से,
30 मिनट्स आंसर राइटिंग करोगे। सपोज आप 3 घंटा बैठना शुरू किए तो 2 घंटा रिविजन करोगे, 1 घंटा आंसर राइटिंग करोगे। जैसे समय बढ़ाओगे आंसर राइटिंग करना बहुत कंपलसरी है, लिखना बहुत जरूरी है। फिर ट्यूसडे को आप टैक्स निकालोगे तो उसमें आप करोगे डायरेक्ट टैक्स प्लस लॉ, ठीक है लॉ। फिर वेनेसडे को अकाउंट्स का ग्रुप 2, ग्रुप 1 मंडे को हुआ, ग्रुप 2 वेनेसडे को हुआ, टैक्स का इनडायरेक्ट टैक्स प्रैक्टिस करोगे, फिर लॉ, फिर डायरेक्ट टैक्स, फिर ग्रुप 3 और टैक्स, फिर लॉ और डायरेक्ट टैक्स। इससे फायदा क्या हो रहा है पता है, एक हफ्ते में जहां आप एक सब्जेक्ट लेके बैठते वहां आपके सारे सब्जेक्ट रिवाइज हो रहा है। मल्टीपल बार रिवाइज होता है ना तभी रैंकर को याद रहता है, तभी वो रैंकर बनता है। वरना आप एक चीज सोचो, रैंक सिर्फ 100 लोगों की क्यों आती है, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों की प्रिपरेशन का तरीका यही होता है, एक सब्जेक्ट उठाओ पहले 30 दिन लगा के वो सब्जेक्ट खत्म करो उसके बाद दूसरे, तो इसीलिए तो सबकी रैंक नहीं आती ना। मतलब रैंकर कुछ तो अलग कर रहे होंगे, रैंकर यही अलग कर रहे हैं। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग डिफरेंट, ठीक है, यही रैंकर अलग कर रहा है जो बाकी लोग नहीं कर रहे। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग डिफरेंट, जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आइए। अच्छा नेक्स्ट आया सर थर्सडे। थर्सडे को आपका लॉ का पेपर है, अब थर्सडे को वापस से लॉ कर रहे हैं। अब इसमें देखो सर, मैंने आपको ना संडे को टेस्ट एमटीपी आरटीपी और प्रैक्टिस लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि अब टाइम कम है तो थोड़ा टेस्ट देना जरूरी है, थोड़ा एमटीपी आरटीपी प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो थ्रू आउट द पीरियड जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो पहले एसएम करो। तो एमटीपी आरटीपी प्रैक्टिस और टेस्ट के लिए संडे रखा हुआ है। जब ऊपर में एसएम खत्म हो जाएगा तो पीवाईक्यू शुरू करो। आपको एक दिमाग में फोकस रहेगा कि एमटीपी आरटीपी तो संडे को हो ही रहा है, ठीक है। इस स्ट्रैटेजी से अकाउंट्स आपका हफ्ते में 3 बार आ रहा है और सारे चैप्टर कवर हो रहे हैं अकाउंटेंसी के। लॉ आ रहा है आपका 4 बार, ठीक है, थ्योरी सब्जेक्ट है। टैक्स आपका आ रहा है 4 बार, 2 बार DT 2 बार IDT। तो इससे क्या हो रहा है ना, आपके हर सब्जेक्ट को आप, और जो कॉन्फिडेंस आएगा ना आपके अंदर, क्योंकि आप हर चैप्टर को कर चुके हो और हर सब्जेक्ट आपने टच किया है, तो क्योंकि बार बार करोगे तो याद भी रहेगा, भूलोगे नहीं आप। अच्छा अब जो लोग ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए अकाउंट्स को आप 3 ग्रुप में डिवाइड करिए, कॉस्टिंग को आप 3 ग्रुप में डिवाइड करिए, FM के सब्जेक्ट चैप्टर्स को 3 ग्रुप में डिवाइड करिए। लॉ का रिविजन प्लस आंसर होगा जैसे पिछले वाले में दिखाया था, ऑडिट का भी सेम, एसएम का भी सेम, और डीटी और आईडीटी में न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाना कंपलसरी है क्योंकि वहीं से लास्ट में पेपर आएगा, ठीक है, सिर्फ प्रोविजन नहीं रटना है। तो इसका ड्राफ्ट कुछ इस तरीके से होगा, 2 आवर्स पर सब्जेक्ट फर्स्ट वीक से आप शुरू करोगे। पहले मंडे को आपने किया मान लो अकाउंट्स का ग्रुप 1, लॉ और FM का ग्रुप 1, फिर कॉस्टिंग SM ऑडिट, फिर डायरेक्ट टैक्स अकाउंट्स, यहां पर अकाउंट्स का ग्रुप 2 आ जाएगा, फिर लॉ, फिर इनडायरेक्ट टैक्स कॉस्टिंग, कॉस्टिंग का ग्रुप 1, ऐसे मतलब प्रैक्टिकल पेपर्स को ग्रुप में बांटना है, थ्योरी को ग्रुप में नहीं बांट सकते। अकाउंट्स लॉ ऑडिट, डायरेक्ट टैक्स FM कॉस्टिंग, ऑडिट SM इनडायरेक्ट टैक्स। इससे क्या होगा, 2 फायदे होंगे, एक मल्टीपल रिविजन, दूसरा कभी भूलेंगे नहीं, और तीसरा दिमाग फ्रेश रहेगा, एक सब्जेक्ट पढ़ के कंटाला नहीं आएगा क्योंकि आपको डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है। अब इस स्ट्रैटेजी में अगर आप देखो अकाउंट्स येलो है एक हफ्ते में कितने बार, 3 बार, लॉ ब्लू है एक हफ्ते में कितने बार, 3 बार, कॉस्टिंग ग्रीन है एक हफ्ते में कितने बार, 3 बार, ठीक है, SM एक हफ्ते में कितने बार, 3 बार, ठीक है, IDT एक हफ्ते में कितने बार, 2 बार, DT एक हफ्ते में कितने बार, 2 बार, ऑडिट कितने बार, 3 बार, हर सब्जेक्ट 3-3 बार हो रहा है, टैक्स 4 बार हो रहा है क्योंकि DT IDT अलग अलग है। अब बोलो इससे अच्छी स्ट्रैटेजी मिल सकती है तुमको, एक हफ्ता करके देखो उसके बाद जो कॉन्फिडेंस आएगा ना वो नेक्स्ट लेवल का होगा। ओके गाइस, सो ये मेरी पूरी डिटेल स्ट्रैटेजी थी। अगर आप अनअकैडमी के साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, तो इसकी मैं आपको कॉपी भी भेज दूंगा, इसका PDF मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर
CICS शांतम गुप्ता। इससे रिलेटेड और आपके दिमाग में कोई प्रिपरेशन कंफ्यूजन हो तो प्लीज नीचे कमेंट जरूर करिएगा, मैं सारे कमेंट को पर्सनली रिप्लाई करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, सी यू, टाटा।